वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा, आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच अभी 2+2 दौर की वार्ता चल रही है, जिसमें भारत के जो मंत्री हैं वो यूएस में इस समय हैं और वहाँ बहुत सारे मुद्दों पे लगातार बातचीत हो रही है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना है कि हमारा जो संबंध है यूएस, इसमें 2+2 वार्ता करते हैं, इसमें कौन कौन से मंत्रालय के मंत्री सम्मिलित होते हैं, आपको इसका आंसर करना है। अपने डिस्कशन पर वापस लौटते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया प्रोबेबली बाइज लेस ऑयल फ्रॉम रसिया इन मंथ देन व्हाट यूरोप डज इन वन आफ्टरनून। ये स्टेटमेंट है एस जयशंकर साहब का। कहने का मतलब, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं एस जयशंकर साहब। एक्चुअली अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रहा है, इसमें एक सवाल यूएस ने भारत पे खड़ा किया था और साथ में बहुत सारे यूरोपियाई देशों ने, कि भारत इस स्थिति में रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, भारत ये एथिकली गलत कर रहा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भारत पे खड़े किए जा रहे थे। और ये क्वेश्चंस भारत से फिर से किए गए हैं जब ये 2+2 दौर की वार्ता चल रही है। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या फर्दर डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इन आईडीज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या, कि जब 2+2 दौर की वार्ता चल रही थी और वार्ता के बाद आपको पता है कि एक फॉर्मेलिटी होती है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसमें यूएस के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी थे और भारत के विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब, ये भी थे। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज किए गए रिपोर्टर्स द्वारा कि भारत क्यों ऑयल का इंपोर्ट या तेल जो है जीवाश्म ईंधन, इसका इंपोर्ट क्यों बढ़ा रहा है रूस से, ये भारत गलत कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने क्या कहा देखिएगा। इन्होंने कहा, एक्चुअली उनका वर्ड है, आई नोटिस्ड यू रेफर टू ऑयल परचेजेस। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. मतलब कि अगर आप रसिया से एनर्जी इंपोर्ट की बात करते हैं इंडिया के, कि इंडिया कितना खरीद रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसके पहले आप ये देखिए कि रसिया से यूरोप कितना खरीदता है, इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आगे कहते हैं, वी डू बाई सम एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी, कि हम लोग कुछ ऊर्जा खरीदते हैं, कुछ एनर्जी वहां से परचेज करते हैं जो कि हमारे ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। बट आई सस्पेक्ट लुकिंग एट द फिगर्स प्रोबेबली आवर टोटल परचेजेस फ्रॉम द मंथ वुड बी लेस देन व्हाट यूरोप डज इन एन आफ्टरनून। मतलब कि इनके अनुसार से इनको ऐसा लगता है, किनको, जयशंकर साहब को, कि भारत जितना एक महीने में रसिया के साथ एनर्जी का व्यापार कर रहा है उतना यूरोप अकेले एक दिन के दोपहर तक कर लेता है। अंदाजा लगाइएगा, भारत जितना एक महीने में करता है यूरोप उतना एक दिन के दोपहर होते होते कर लेता है। इसलिए कहते हैं कि हम पे सवाल खड़ा करने के पहले एक बार यूरोप के भी इस आंकड़ों को देख लीजिए। हम इंडिया है, यूरोप का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे बेतुका सवाल करेंगे, हमें ब्लेम करेंगे। हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि हम जल्दी से क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम इतना बोल्ड स्टेटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन जयशंकर साहब ने यूएस में खड़े होकर वहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के सामने ये बात कही कि हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। और आपको अगर फिगर्स देख रहे हैं तो आप पहले यूरोप की देखिए कि वो कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर हमसे क्वेश्चन करिएगा। आगे कहते हैं, वी आर फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इन्होंने कहा कि जो भी एक्सलेशन हो रहा है यहाँ पे यूक्रेन और रूस के बीच, इंडिया का एक क्लियर स्टांस रहा है कि जो भी होना चाहिए वो डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करे जाने चाहिए, वार नहीं होना चाहिए। इंडिया कभी भी वार नहीं चाहता, हिंसा नहीं चाहता है, हम अशांति के पुजारी हैं। और इसके साथ साथ जब ये सारा वाकया चल रहा था तो उस समय एक और ड्रास्टिक चेंज देखा गया कि जो यूएस का व्हाइट हाउस है, प्रेसिडेंट का जो निवास स्थान है व्हाइट हाउस, वो भी भारत के सपोर्ट में है। यहाँ लिखा गया है, द व्हाइट हाउस टू कैम इन इंडियाज डिफेंस ऑन द इशू ऑफ ऑयल परचेजेस, नोटिंग दैट इट्स टोटल परचेज इज लेस देन 1% and 2% एज अगेंस्ट 10% फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने कहा कि भारत की जो कुल ऊर्जा है जिसका 10% भारत किसे, अमेरिका से आयात करता है, उसकी तुलना करें तो 1% या 2%
भारत जो है रूस के साथ आयात कर रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट कोई बड़ा नहीं है। और फर्दर उन्होंने इस बात को इंडिकेट भी किया कि इतने कम मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी सैंक्शन का खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये किसी सैंक्शन के विरोध में नहीं जा रहे हैं। मतलब एट लास्ट व्हाइट हाउस भी भारत के समर्थन में आ गया। जी हाँ, देखिए भारत का धीरे धीरे जो स्टेटस है वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में, वो देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बदल रहा है। एक समय था कि हम यूएस के सामने उसके खिलाफ या रसिया के खिलाफ बोलते नहीं थे, आज समय है कि हम जरूरत पड़ता है तो रसिया के खिलाफ भी बोल रहे हैं, और जरूरत पड़ रहा है तो यूएस के साथ उसके घर में खड़ा होकर हम उन पर क्वेश्चन मार्क भी खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत ही शानदार भारतीय फॉरेन पॉलिसी का एक चेंज है। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।